Good morning, students. In the previous class, we have read chapter 2, subject and predicate. And today we are going to do the exercise of this chapter. So starting from exercise 1, the question given here is, divide each of the following sentences into subject and predicate. One has been done for you. नीचे दिए हुए सारे सेंटेंसेस को आपको डिवाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, चिड़ियाँ अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया गया है कि बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट है और बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज ये प्रेडिकेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, बर्ड के बारे में। तो हम जानते हैं कि सेंटेंस में चाहे वो थिंग हो या पर्सन, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। उसी तरह से योर बुक लाइज ऑन द डेस्क, तुम्हारी किताब डेस्क पे रखी हुई है। तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तुम्हारी किताब के बारे में। तो यहाँ पर योर बुक जो है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, एंड लाइज ऑन द डेस्क क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। माई न्यू वॉच कीप्स गुड टाइम, तो माई न्यू वॉच, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, न्यू वॉच की। तो माई न्यू वॉच हो जाएगा सब्जेक्ट एंड कीप्स गुड टाइम प्रेडिकेट। तो उसी तरह से बाकी के एक्सरसाइजेस जो हैं आप लोग बना लीजिएगा। It's very easy. I think you all can do it. When the predicate precedes the subject, sentences कभी कभी ऐसा होता है कि predicate जो है वो subject को precedes करता है, मतलब पहले predicate आता है और बाद में subject। तो ऐसा कब होता है और क्यों होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, In a sentence, generally subject comes before predicate. किसी भी सेंटेंस में सामान्यतः जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में। हाउएवर, हालांकि, समटाइम्स अ सेंटेंस इज इनवर्टेड टू ले एम्फेसिस ऑन द प्रेडिकेट, कभी कभी सेंटेंस में मेन फोकस डालने के लिए, प्रेडिकेट पर मेन फोकस डालने के लिए क्या किया जाता है, सेंटेंस को इन्वर्टेड किया जाता है, मतलब कि प्रेडिकेट को पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट को बाद में। आप देखो यहाँ नीचे में सेंटेंसेस दिया हुआ है, इसमें देख करके आप इसको इजीली समझ पाओगे कि ऐसा कब होता है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर ए, जिम सेट अंडर द ट्री, जिम पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो ये जनरल सेंटेंस है जहाँ पर सब्जेक्ट पहले है और प्रेडिकेट बाद में है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, जिम, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, जिम के बारे में। अब इसको लिखा गया है अंडर द ट्री सेट जिम, यहाँ पर आप कॉमा देख रहे होगे कि पेड़ के नीचे कौन बैठा है, जिम। तो यहाँ जिम जो कि बाद में आ रहा है और प्रेडिकेट पहले, तो यहाँ मेन फोकस किस पे डाला जा रहा है, अंडर द ट्री पे, मतलब प्रेडिकेट पे। तो इस पार्ट पे फोकस डालने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए हम इस तरह से सेंटेंस को लिखते हैं। उसी तरह से देखो, द डॉग केम डाउन द स्टेयर्स, डॉग सीढ़ियों के नीचे आ गया। तो यहाँ बात हो रही है डॉग की जो कि सब्जेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि डाउन द स्टेयर सीढ़ी जो है इस वाले पार्ट को फोकस करके लिखा जाए, मतलब इस पे मेन इम्फेसिस डाला जाए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डाउन द स्टेयर्स केम द डॉग, जस्ट लाइक दिस। सम फ्लावर्स आर इन द वॉश, तो फ्लावर्स की बात हो रही है तो सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट को हमको बाद में लिखना है, मेन हमें किसके बारे में लिखना है, वॉश के बारे में। तो इन द वॉश आर सम फ्लावर्स। बिल सेड आई एम हंग्री, आई एम हंग्री सेड बिल। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम क्या देख रहे हैं कि पहले प्रेडिकेट को लिखा गया है और लास्ट में
सब्जेक्ट को, जैसे जिम, डॉग, फ्लावर्स, बिल, सब लास्ट में आ रहा है सब्जेक्ट, और जो मेन प्रेडिकेट है उसको हमने पहले लिखा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज टू, री राइट द सेंटेंसेज चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इन सेंटेंसेज के ऑर्डर को आपको चेंज करके दोबारा लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, नेवर अगेन विल यू डू दैट। तो इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है, सब्जेक्ट पहले है या फिर प्रेडिकेट पहले है? पहले प्रेडिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में वो क्या है, यू। क्यों है? तुम वो काम दोबारा कभी नहीं करोगे। तो किसके बारे में बात हो रही है? तुम के बारे में। यू इज़ द सब्जेक्ट जो कि बाद में आ रहा है, और प्रेडिकेट पहले। अब इस ऑर्डर को हमें चेंज करना है, मतलब पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है और बाद में प्रेडिकेट को, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, यू के बाद फिर क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसमें क्या है, विल। यू विल नेवर डू दैट अगेन फुल स्टॉप। तो ये किस तरह का सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है इसमें, यू विल नेवर डू दैट अगेन। और हम सब जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में भी जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो क्या होता है, फुल स्टॉप। उसके बाद देखो नंबर बी, रेयरली हैव आई ईटन बेटर फूड। तो रेयरली हैव आई ईटन बेटर फूड में सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई को हमें सबसे पहले लिखना है, तो आई हैव रेयरली ईटन बेटर फूड। उसी तरह से Hardly ever does he come to class on time. तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, he के बारे में। तो he को हमने सबसे पहले लिखना है, तो he does come to class on time hardly. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, does he ever come to class on time hardly. तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप लिखोगे तो उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क डालना है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब यूज़ करेंगे तो फुल स्टॉप। देन आफ्टर, अप जम्प्ड द फ्रॉग। तो इसमें फ्रॉग की बात बारे में बात हो रही है, तो फ्रॉग को हमने सबसे पहले लिखना है, द फ्रॉग जम्प्ड अप, फुल स्टॉप। नेवर हैव आई सीन सच अ मेस। तो आई हैव नेवर सीन सच अ मेस। तो यहाँ पर देखो ये सारा जो है स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो नेवर आ जाएगा बाद में, तब वहाँ पर एन कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, राइट। देन आफ्टर, स्कार्सली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन द टेलीफोन रैंग। स्कार्सली मतलब होता है बहुत कम, तो व्हेन द टेलीफोन रैंग आई स्टेप्ड आउट स्कार्सली, ठीक है। उसके बाद हार्डली हैड आई रिच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आई की, तो आई को सबसे पहले लिखेंगे, तो आई रिच द स्टेशन हार्डली व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। या इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड आई रिच द स्टेशन हार्डली, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। होमवर्क में आप ये दोनों एक्सरसाइजेज जो है आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड चैप्टर 3 पार्ट ऑफ स्पीच।